लिया, उठा लिया क्या उसको? गन अंदर क्यों गई? उठा रहे हैं, उठा रहे हैं, उठा रहे हैं सारे हाथ ऊपर। रोक लिया है, रुकवा लिया उसको, गोली वोली डाल दी है। हम पांच जने हैं। वो पुलिस आ रही है ओए, वो गोली चल गई, पुलिस आ रही है। अरे मैं चूतिया हूं, पुलिस आ रही है। गोली चले, किसने, कौन कौन चला रहा है? चल एक डाउन, चार्ली को ना लगे, चार्ली को एक और डाउन। और कौन चला रहा है भोसड़ी का? चार्ली को ना चलाना, चार्ली को मत मारना, चार्ली को मत मारना। पूरे हील कर, हील कर, भागो 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 भागो। जज हीला फीला, निकलो डिप डिप, निकलो निकलो डिप। मैं भतीजा, भतीजा डाउन, भतीजा डाउन है सर। क्या हुआ? अरे सर रोक रोक क्यों रहे हो, रोक क्यों रहे हो सर, रोक क्यों रहे हो, गोली क्यों तान रहे हो? शुरू करूं बता, बात तो कर लो तुरंत बता सर। क्यों क्यों? अरे क्यों सरेंडर साले वाले क्या कर रहा है? तेरे ओए, तेरे बाप का लड़का भोसड़ी के चोदे मादर चोद। चल तेरी मां नंगी करके नचाऊं भोसड़ी के अपने रोज बेडरूम में लौड़े। मार इसकी माँ की चूत, मार इसको, मारना है इसकी बहन की चूत, बेशक मार जाऊं आज। शुरू करूं क्या? बता। हाँ मारो, पीछे ही उनके। रुक जा, अभी रुक जा, तो मैंने छोड़ दी। चल चल मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ। पकड़ इसकी बहन की चूत, नहीं निकल ले इसकी माँ की चूत, पकड़। कॉपी पियर लो। आई गॉट निसान जीटीआर राइट बिहाइंड मी। ए वन विजुअल्स ऑन। ओके फोकस ऑन वन। बैकअप 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 बैकअप। हम आगे निकल लिए पिंकेज की तरफ। मेरी गाड़ी बंद हो गई। हमारी साइड आ रहा है। गाड़ी बंद हो गई। हाँ निकल ले, डिप कर ले, डिप कर ले। मैं नहीं कर सकता, मैं गाड़ी बंद। अबे मैं फुल है गाड़ी मेरी, मैं कहाँ से आ जाऊँ बता? ऑन फुट भाग जा, तू ऑन फुट छुप जा। ए आई एम फोकसिंग जीडीआर। रेडी फोकस जीडीआर। इट्स नियर द फायर आल्सो। या ओके जीडीआर शॉट यू फर्स्ट, फोकस जीडीआर एंड या देन वी विल टेक देम अदर। बोट डाउन, बोट डाउन, बोट जीटीआई डाउन, बोट जीटीआई डाउन। जानी निकल गया भाई, है भाई, है निकल भाई, है ना, है ना। हां हां, देखिए देखिए, लेके जाने मत देना, आप लेके जाने मत देना, अब गलती से भी नहीं जाने चाहिए पुलिस वाले। अब लेके मत जाने देना, अब नहीं जाने चाहिए। यहीं पे फायर हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो, चलो चलो चलो। बोरे तू ऑन फुट मत रहना, चुप रहे, छोड़ दे। हां छोड़ दे, हां छोड़ दे, बता। सुन ले, 3 2 1 गो। ठीक है ना, रुक जा, जान दे, अबे छोड़ दिए। देयर इज एक्टिव शूट आउट एट द बॉक्स साइड। इनसाइड बुल बॉक्स outside of the pill box. एक डाउन, एक डाउन, एक डाउन। मार बहन चोद, आगे ले, लेफ्ट में ले, लेफ्ट में ले, अंदर के अंदर वहां पे ले। अरे ये एयर चला रहा है, एयर खोली, एयर खोली हमारे पास। मेरी मेरी गोली नहीं चल रही। हेलो एक और डाउन, एक और डाउन, एक और डाउन। चॉपर आया, चॉपर आया, निकल निकल, इनको बचाना, इनको। हां ये चांडियो, चांडियो, चांडियो को बुला, बाहर बुला ना। हां डिक्की खोल जाके, तू हेल्प फायर वाला डिक्की खोल, हेल्प डिक्की खोल, डिक्की खोल, डिक्की खोल। बैठ बैठ, डिक्की नहीं खुल रही, डिक्की नहीं खुल रही। उतर के अनकफ कर दे, उतर के अनकफ कर दे। पुलिस वाला बाहर आया, दूर से मार रहा, चॉपर मार रहा, चॉपर मार रहा। अरे जाओ जाओ जाओ, डाल इसको यार। नहीं नहीं नहीं, डाल नहीं पा रहा मैं। लेके चल आगे, लेके चल इनको मार, मैं गाड़ी लेके आता हूँ दूसरी, आगे लेके चल। इधर एक बंदे रुको, दो बंदे रुको ना, हेल्पर और वो मसाकर रुक यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ दूसरे, इनको बचाने के लिए। टुकड़ा
Down, 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 down. The guy, the guy, the guy, the guy, the guy, the guy. सुन सुन इसको गाड़ी दिलवा दी मैंने आशीष को. The guy, इधर आओ. बैठो 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 बैठो. Okay. The judgment for the court case filed by Mr. Marlega, which is Marlega's versus the state. The court finds in the proceedings for last two hearings, the court has understood the whole scenario. Where there was some misunderstanding by the police of mistakenly thinking that Mr. Marlega is a part of a robbers gang which was trying to rob Group E van. The police couldn't actually have any proof that Marlega was a part of the robbery, but police has neither challenged this in their reports, so neither has charged Marlega for this. The whole point comes to why was Marlega shot, and the case surrounds around it, that was it right for the police to shoot Marlega? If we go to see if police, when we heard the police officers saying that Marlega was evading and they were chasing, and eventually when the chase came to end, they felt a threat from a guy called Raftar who was with Marlega, and they shot back. I think that's not a correct way procedure for police to adopt, because a police officer also should remember that till a shot fired from the front guy, you should not fire a shot back on. But then the point again comes around, why was Marlega shot? When Marlega never had a weapon in his hand, why was he shot? So court has not found enough evidences from the police side, but it was not the burden of proof, but has found enough witnesses to understand from the Marlega side that it was a wrong decision from police to shoot him. But the compensation what Marlega has asked as $200,000 are also not to be justified, because it can only be justified by a proper medical report. Nice to meet. And evidence which proves, plus evidence from an employment registration firm which proves that Marlega has suffered from financially, plus Marlega has suffered from mentally and physically. There were no evidences to be in the court to prove that those things. But yes, Mr. Marlega's lawyer Ranvijay Singh proved to the court that the shooting of the police was not constitutional. It was unconstitutional. I take that on board, and I feel that next time no civilian should be, you know, attacked this way by the officers. They should take prevention before doing this. So I say that Marlega will deserve a compensation of $100,000 as what he suffered from the officers. But he cannot deserve $200,000 because there are no enough proof to make the court believe that he has financially went to a loss, or mentally went to a trauma, or physically cannot do certain things in the future. Because as court knows that Marlega is the owner of the biggest enterprise in the city right now, that's the Diamond Casino. So in return, I think Marlega, you have become a big businessman. So I hope next time you will not roam with people who are indulging in crimes, because Mr. Raftar has accepted his crimes. He's accepted everything what the police has said. So in future, I don't want the court doesn't want you to be part of all these kind of people who indulge in criminal activities. Because as a businessman, you should be in high esteem. So the court adjourns and gives $100,000 as compensation to Marlega. So guys, देखो दोनों से एक ही बात हुई हमारी. Business मिलेगा, for sure मिलेगा. डिपेंड करता है किसको क्या मिलेगा उसके कैपेबिलिटीज के ऊपर. सो हियर वी आर, ये ओनील्स हैं जिनसे हम तुम पहले मिलते ब्लैक तुमसे, और तुम वो दो लोगों जिनसे मैंने डीलिंग करी
लेकिन कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। तुम दोनों से मेरी नो कॉन्टैक्ट डीलिंग थी, बाकी पूरे शहर को ने मेरे को फेस टू फेस डीलिंग करी है। डीलिंग तो नहीं करी, मीटिंग हुई हुई थी बस, कोई ऐसा डीलिंग नहीं हुई थी कोई ज़्यादा। तो अब चीज़ ऐसी है, काम क्या होगा वो टास्क के बीच में तुमको पता चल जाएगा। टास्क, अब मेरे को ये बताओ, हाउ ऑफन आर यू गाइज इन द सिटी एट दिस टाइम? अराउंड 9 PM, 9:30 से मेजरली वी ऑल आर देयर, द 5 वी आर देयर, वी आर ऑल, यप यप यप, लाइक 5 ऑफ यू आर अवेलेबल, लाइक एनी 5, हां यार। एंड व्हाट अबाउट यू ओनिल्स? सो हम लोग का लाइक हमारे बंदे रहते ऑलमोस्ट 7 समथिंग, लाइक इस टाइम पे होते हैं ना, तो जस्ट मेक श्योर कि 5 ऑफ यू गाइस आर अवेलेबल एट दिस टाइम, लाइक ये टाइम तो नहीं, फ्रॉम लाइक 9 to 12 के बीच में, फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days। बाकी बिजनेस टोटली तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द टास्क, स्टार्टिंग में टास्क होंगे बहुत, मतलब टास्क का ना ग्राफ होगा, आसान से टफ तक, इंटेंस टास्क तक का सफर होगा। जैसे जैसे टास्क बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे टास्क की इंटेंसिटी बढ़ती चलेगी। द ओनली थिंग टास्क में जो मैटर करती है, अवॉइड अदर गैंग्स, अवॉइड कॉप्स इस टास्क के बीच में। तुम्हें कॉप्स के सामने से जाना होगा लेकिन पकड़ा नहीं जाना होगा, ऐसे टास्क होंगे। एक चीज और, इस टास्क में कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे गैंग वॉर में तो होता है ना कि अपनी गैंग का बंदा नहीं, चल साथ वाले दोस्त को बुला लिया दूसरी गैंग के, यहाँ पे ये काम नहीं चलेगा हमारी तरफ से। हाँ, तो नहीं होगा कभी दोनों के लिए ये कि अगर बंदे नहीं है तो यू कैन लेट अस नो, कि हो सका तो विल मेक इट, लाइक जितने अवेलेबल होंगे उतने का टास्क करा लेंगे। हमें ये नहीं चाहिए कि कोई बाहर का बंदा इन्वॉल्व हो। द टास्क थिंग नाउ, यू इफ आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइस कैन स्टार्ट परफेक्टली फ्रॉम टुमारो, बिकॉज़ वी जस्ट हैव, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कमिंग टू द टास्क आज से कल से। हम लोग आज से रेडी हैं। व्हाट अबाउट यू? थोड़ा सा आज हमको थोड़ा काम है, बिजी हैं, कल से वी आर लाइक, तुमने कहा है कि लाइक पूरा जो भी तुम्हारी थिंग्स है शेयर में को, क्या चीज थोड़ा आगे आके बोलोगे? थोड़ा आगे, अरे ये ना टाइम टाइम पूछा थे बर कि कितना टाइम लगेगा टास्क में, वो बता दे। देखो टास्क पे टाइम जो लगेगा वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितने टाइम में उसको कंप्लीट कर पाते हो। लगने को 3 घंटे भी लग सकते हैं और लगने को 5 मिनट भी लग सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बाकी मैं इतना बताना चाहूंगा, या तो ऐसे करते हैं कल से ही करते हैं, क्योंकि दोनों प्रिपेयर्ड आओ, तुमको टास्क की ब्रीफिंग पहले मिल जाएगी शुरू होने से पहले, मतलब पहले ही मिल जाएगी टास्क की ब्रीफिंग वगैरह, तो प्रिपेयर रहना टास्क के लिए। एक चीज, इनिशियल के 2 दिन के टास्क के अंदर गन्स वन्स इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो अभी थोड़े इजी। हाँ लाइक डेली होंगे, लाइक फॉर अबाउट अ वीक। ओके, डेली कुछ ना कुछ होगा, तुम्हें भी मजा आएगा, टेंशन ना लो। बस मैं ये कहूंगा, यू बोथ आर काइंड ऑफ कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर कि किसको क्या बिजनेस मिलेगा, और ये मत सोचना कि जीतने से ही अच्छा बिजनेस मिलेगा, कई बार ये होता है लूजर टेक्स ऑल। मेन देखा जाएगा तुम्हारी कोऑर्डिनेशन कैसी है, आर यू लाइक, तुम अगर बीच में कुछ हो जाती है अनहोनी, तुम टास्क को प्रेफरेंस देते हो या अपने मेंबर्स को प्रेफरेंस देते हो, सब कुछ मैटर करेगा। तो टास्क को ऐसे करना कि
एज अ ग्रुप तुम एक रहो, ये ना हो कि एक बंदा जाके टास्क खत्म कर रहा है, चार बंदे पता ही नहीं किधर है। एज अ ग्रुप देखा जाएगा हाउ केपेबल यू आर, कोऑर्डिनेशंस कैसी हैं, किसको मतलब तुम ज्यादा रेफरेंस देते हो ड्यूरिंग द टास्क। समझो कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल लेके जाओगे या फिर टास्क की तरफ ध्यान दोगे, तो ये सब चीजें मैटर करेंगी, तो देख लेना। बाकी कल से प्रिपेयर रहना, सुटेबल टाइम 9-9:30 के बीच में, तो साढ़े नौ का 10 बजे तक, या तो 9 का रख लो स्टार्टिंग टाइम, 9:30 तक स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा लेट नहीं होगा। 9:30 मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा कर लेंगे। तुमको ईस्ट साइड की तरफ की अगर रोड को हाईवे को फॉलो करोगे तो एक बीच पे जाता है वो, और बीच के साथ एक अपना ईस्ट साइड जहाँ पे ऑयल की डिगिंग वगैरह है, अपना जहाँ पे वो एमजीज वाले रहते थे उसके आगे जाके, उस रोड को अगर हाईवे को फॉलो करोगे तो वहाँ पे आगे एक बीच के लिए रास्ता कटता है, और साथ में एक अपना फॉरेंसिक लैब और या फिर मीटिंग टाइप वो है, अपना मिलिट्री एरिया टाइप है। ह्यूमन लैब नहीं, बीच की, नॉट इवन पावर प्लांट। तुम उस साइड मत जाओ, पुलिस की वो होती है एक क्वेरी के आगे ना, लाइक एमुनेशन 7 के नीचे तुम्हें दो अलग, पहले राइट उससे पहले, हां दो अलग रोड से, हां वो एक बीच को जाती है, एक मिलिट्री की बिल्डिंग पे जाती है, गवर्नर की बिल्डिंग पे जाती है। तो हमें बीच और गवर्नर के बिल्डिंग के बीच में एक ना वो है बैरिकेड से लगे हुए, तो उन बैरिकेड्स पे मिलेंगे, दिख जाएंगे वहां पे तुम्हें। ओके ओके गॉट इट, लेट्स सी फ्रॉम द